के अंतर्गत आने वाले सोन बरसा में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां उन्होंने लोगों से इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद झा ने। मैं मेरे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी और राजद उम्मीदवार डॉक्टर कुमार चंद्रदीप जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वे अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और जीत के बाद वे क्या कहना चाहेंगे। चंद्रदीप जी, मधेपुरा समाजवाद की ऐतिहासिक धरती है और यहाँ से मैं ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा हूँ। इस सीट से मैं रिकॉर्ड बहुमत से जीतूंगा और निवर्तमान सांसद आदरणीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी ने 3-5 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं किया है। जनता उनसे उब चुकी है। वे एक सशक्त विकल्प की तलाश में थी और उस रूप में इंडिया गठबंधन उनके सामने है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में सामने हूँ और सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। यहाँ एक मनीषी पैदा हुए जिन्होंने काम किया, योगदान दिया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रतीक और जननिरपेक्षता के प्रतीक। उन्होंने यहाँ की मिट्टी को प्यार किया और 2 बार यहाँ से वो सांसद निर्वाचित हुए और रेल फैक्ट्री उन्हीं का दिया हुआ है। इंडिया के लोग बतावे कि यहाँ पे कौन सा फैक्ट्री वो लगा दिए है। और मेरा ये भी मानना है कि यहाँ पे एक मखाना के फैक्ट्री उधर महसी के इलाके में होता है और यहाँ पे इथेनॉल की फैक्ट्री जो है वो एक मधेपुरा वाले इलाके में मक्के की खेती होती है, जिस तरह से पूर्णिया में खगड़िया में वो भी यहाँ पे लगे और बैद्यनाथपुर पेपर मिल का जो सदुपयोग है वो सही ढंग से हो। कागजी घोड़ा ही दौड़ रहा है, उसमें जो भी मल्टी पर्पज कम्प्लेक्स बनेगा, कमर्शियल कम्प्लेक्स है, जो भी है उसको अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाया। मैं अपने कार्यकाल में उसको भी पूरा कराऊंगा, मैं ये वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।